अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं एक सिस्टम का, जो कि पिछले सिस्टम की तरह ये भी हमारा सिस्टम जो है कराची से आया है। पिछला सिस्टम मैंने आपको रिव्यू दिया था, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, क्योंकि जेड पाकिस्तान में जो एक्जोन जो था 5650 डबल प्रोसेसर के साथ जो थी, बहुत कम वीडियो ना होने के बराबर थी, इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को पसंद किया। तो इसी तरह से आज फिर एक और नया सिस्टम लेके मैं आया हूँ आपके सामने। तो इसका एक छोटा सा रिव्यू करते हैं और इसमें बताता हूँ कि आपको ये सिस्टम क्यों लेना चाहिए और इसमें आपको क्या खास बात मिलती है दूसरे सिस्टम की निस्बत। ये बेसिकली एक्सियोन का सिस्टम है और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलें, ये आपके सामने है, मैंने ओपन करके रखा हुआ है, टेस्ट करने के लिए रखा था। तो मैंने इसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक की, गेमिंग चेक की और रेंडरिंग भी करके देखी है, तो सब कुछ इस पे परफेक्ट चल रहा है। तो अब इसको मैं आपको इसका सही से नाम और इसकी जो डिटेल वगैरह आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इसकी प्राइस का मुझे नहीं अभी पता, क्योंकि बॉस जो मेरे थे वो सिर्फ सिस्टम दे के चले गए हैं, उनने कल को या परसों को आना है, तो फिर इसके बारे में डिटेल और लूँगा। तो जितनी मुझे पता चला इसके बारे में, तो वो सारा कुछ आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले इसकी डिटेल चेक करते हैं भी, इसमें आपको प्रोसेसर कौन सा मिलता है और क्या क्या मिलता है। स्क्रीन के पास आ चुका हूँ, तो यहाँ पर हम जैसे कि नॉर्मली सिस्टम की डिटेल चेक करने के लिए हम करते हैं विंडो प्लस आर और यहाँ पे लिखते हैं DXDIAG। तो मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो होती है हमारे पास इसकी डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर का नाम है, यहाँ पे प्रोसेसर इंटेल एक्सियोन E5 1650 और V3 है और 3.50 GHz तक ये स्टार्ट होता है और इसकी ओवरक्लॉकिंग आप देख सकते हैं, फिर इसकी ओवरक्लॉकिंग इससे ऊपर ही होती है। तो इसमें 16 GB की एक ही रैम लगी हुई है। ये सिस्टम जो है आपको वीडियो एडिटिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट है और गेमिंग के लिए नॉर्मल है, क्योंकि एक्सियोन पे ज़्यादातर गेमिंग नहीं कर सकते हम। और गेमिंग के लिए आपको i-सीरीज लेनी चाहिए और अगर रेंडरिंग या 3D रेंडरिंग करनी हो या वीडियो एडिटिंग या 3D या एनिमेशन, इस तरह के कोई बड़े सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको ये एक्सियोन बेस्ट रहते हैं और ये कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये बेसिकली इसकी डिटेल है और अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ और इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड लिया वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है NVIDIA GeForce का GT 1060 का 6 GB। तो इसकी लुक दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको नजर आएगा। ये देखें, इसके जो है यहाँ पे इसका जो नाम लिखा हुआ है, ये असल में जो पहला हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड था वो आपने देखा था और इसमें आप देखें इसमें MSI लिखा हुआ है। ये MSI का है, जो हमारे पास पहले सिस्टम में लगा हुआ था वो था iChill का। तो ये भी 6 GB है, वो भी 6 GB है, दोनों का मैंने कंपेरिजन किया था। तो उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है इन दोनों ग्राफिक कार्ड के बारे में, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो इसके आप ये वाले कलर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो लुक आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इसकी लाइटिंग की। तो अगर अंधेरा हो तो इसका ये रेड कलर है, ये मुकम्मल लाइटिंग करता है और इसके नाम के अंदर भी यहाँ पे MSI और जो ड्रैगन बना हुआ है वो भी लाइटिंग वाला है। तो सिस्टम हमारा बेसिकली ये है जो आपके सामने है। तो ये सिंगल प्रोसेसर में है, पहले हमारे पास जो हमने लिया था वो डबल प्रोसेसर में था और वो उसकी पावर सप्लाई और इसकी पावर सप्लाई आप देख सकते हैं, इसकी पावर सप्लाई सिर्फ इतनी सी है। तो जो पहले हमारे पास था उसके ऊपर वाला जो पूरा मुकम्मल ऊपर वाला हिस्सा था वो पूरा पावर सप्लाई था, क्योंकि उसने डबल प्रोसेसर को चलाना था तो उसके लिए उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड हमारा ये दिखा दिया मैंने और इसमें क्या है, इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसकी स्पीड यहाँ पर दिखा देता हूँ बगैर किसी चीज़ के, यानी कि यहाँ पर इस टाइम हमारे सिस्टम पर कोई चीज़ भी रन नहीं हो रही और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो ये रही, तो यहाँ पे CPU बगैर किसी चीज़ के 1% यूज़ हो रहा है और GPU जो है वो भी 1 और 2 के दरमियान में आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, जब इस पर आप जैसे जैसे इस पर हैवी सॉफ्टवेयर चलाते जाएंगे, इसका GPU और CPU और RAM जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर चला के देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। तो अगर आपने कभी देखना है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे इस सिस्टम में चल सकता है तो नहीं, उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने टास्क बार खोल के ये वाला परफॉर्मेंस वाला
तो उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर चलाने, सॉफ्टवेयर अगर 100% पर जा रहा है यहाँ पे जीपीयू में या सीपीयू में, तो आप क्या करेंगे उस चीज़ को बढ़ा लें। जैसे आप उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो आपका वो सॉफ्टवेयर और भी अच्छे तरीके से उस सिस्टम पे चल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इस जो ये प्रोसेसर है, यहाँ पे हमारे पास E5-1650V3, इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाते हैं। और यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग का नहीं बताया, जब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो यहाँ पे अब स्पीड आप देख लें, अभी 3.50 इन्होंने दी हुई है, यानी 3.5, तो 3.5 से ये ऊपर भी जा सकती है क्योंकि ये ओवरक्लॉक कर लेते हैं। इसमें आप हैवी सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो ये थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, यानी कि हैवी सॉफ्टवेयर को चला लेते हैं। तो यही था इसमें, तो यही थी आज के इस वीडियो में। और इसकी अब मैं लुक दिखा देता हूँ आपको निकाल के, और फिर इसमें बताता हूँ कि क्या चीज़ इसमें आपको किस तरह से, आपको इसकी लुक किस तरह की लगती है। तो मैं इसको सबसे पहले बंद करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने सिस्टम अपना निकाल लिया है, तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं। ये वाला सिस्टम भी मैं डबल एलसीडी पे चला रहा था, आपने अगर नोट किया हो तो हमारे पास यहाँ पे 2 LCDs हैं और एक सिस्टम को हम 2 LCDs पे डिवाइड करते हैं, और दोनों एलसीडी का कीबोर्ड माउस अलग अलग है। वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हैं जिसका नाम है एस्टर। तो ये चाइनीज एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक सिस्टम के अंदर 2 यूज़र को एक टाइम में काम करने में मदद देता है। तो ये परचेज़ करना पड़ता है और 30 दिन आप ट्रायल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमने पहले यूज़ किया था, उसके बाद हमें अच्छा लगा तो हमने इसको ख़रीद लिया है। तो ये आप देख सकते हैं सिस्टम का बेसिकली लुक का आपको इस तरह की मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि इस साइड पे आप हार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 हार्ड की जगह है, लेकिन जैसे एक्सियोन का आप देखा था, उन्हें इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे फिटिंग की हुई थी कि आप ट्रे को बाहर निकालो और हार्ड लगा दो। इसमें आपको वायर लगानी पड़ती है, उसमें वायर वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ 2 हार्ड लगती हैं और इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, और इसकी रैम जो है 16 GB की एक ही इसके नीचे लगी हुई है। और ये रहा इसका प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर है इसमें, और इसमें डीवीडी रोम है। इसके मैं फ्रंट लुक का आपको दिखाता हूँ। तो ये रही इसकी फ्रंट लुक। फ्रंट लुक पे यहाँ पे क्या है कि फैन लगे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे एक डीवीडी रोम, यहाँ पे उसका लोगो बना हुआ है, यहाँ पे आपको 4 इसकी जो है USB पोर्ट मिल जाती है, और नॉर्मली जो बाकी सिस्टम पे होता है वही सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो इसकी जो लुक है या जो इसका फ्रेम है वो आप देख सकते हैं, इस फ्रेम के अंदर भी आपको ये वाला प्रोसेसर मिल जाता है। और ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड पे आपको यहाँ पे नॉर्मली जो सर्वर्स में जो आपको पोर्ट्स मिलती हैं वही मिलेंगी इसमें। यहाँ पे जो है आपको डिस्प्ले लेने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। ग्राफिक कार्ड बेशक आप डिस्प्ले लेने के लिए 512 MB का लगा लें, या आप 6 GB, या आपको जितना सपोर्ट करता है, आपका जितना काम है वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने GB का ग्राफिक कार्ड ज़रूरत पड़ता है। तो बैक लुक जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई के अंदर 2 फैन छोटे छोटे लगे हैं। नॉर्मली जो सप्लाई के अंदर फैन लगे होते हैं वो एक होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद इसमें इतने कोई फैन नहीं लगे, जैसा कि एक्सियोन 5650 में डबल प्रोसेसर में आपको 7-8 फैन मिल जाते हैं। तो बस यही आज की हमारी वीडियो, ये क्या है कि सिस्टम आप इस पर रेंडरिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि आई सीरीज़ की निस्बत ये उनके परफॉर्मेंस में उनके बराबर होते हैं आई सीरीज़ के, और आई सीरीज़ महंगी भी है। एक्सियोन जो है आपको सस्ता मिल जाता है और उससे ज़्यादा पावर वाला मिल जाता है। तो आप एक्सियोन लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी आपका इस रेंडरिंग वगैरह का अगर आप काम करना चाहते हो। गेमिंग के लिए मैं यही कहूँगा, गेमिंग के लिए अगर आपने सिस्टम बनवाना है तो वो आई सीरीज बनवाएं। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको फ्रेम जो उसका होता है, केस होता है जो सिस्टम का, वो भी आपको लाइटिंग वाला मिलता है। एक्सियोन में या ज़ियोन के अंदर आपको लाइटिंग वाला केस कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ियोन जो होते हैं सर्वर सिस्टम होते हैं, ये सिर्फ नॉर्मली केसिंग के अंदर आते हैं जो आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं। तो यही थी वीडियो, अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।